हेलो दोस्तों, आज हम पंचायत सीजन 3 वेब सीरीज के 5वें और 6वें एपिसोड की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। 5वें एपिसोड की शुरुआत विनोद और माधव से होती है, जिन्हें कहीं से पता चल चुका होता है कि प्रहलाद जी अगले चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। आपको बता दें कि प्रहलाद जी वर्तमान में उप प्रधान पद पर होते हैं और वे दोनों इस खबर को भूषण के घर जाकर उसे बता देते हैं, जिसे सुनकर भूषण काफ़ी खुश होता है और अपने खुराफाती दिमाग से एक प्लान बनाता है प्रधान जी को भरी सभा में विधायक के हाथों बेइज्जत करने का, जिसके तहत भूषण पंचायत ऑफिस में सभी सदस्यों के साथ मीटिंग करता है और कहता है कि विधायक जी फुलेरा के लोग मतलब प्रधान जी से शांति समझौता करना चाहते हैं। चूंकि प्रधान जी को यह बात रास नहीं आती, क्योंकि प्रधान जी का विधायक से कई वर्षों से तनाव चल रहा था। आगे भूषण बताता है कि विधायक जी शांति समझौते के दौरान सफ़ेद कबूतर उड़ाएंगे। आखिर में प्रधान जी और वहाँ उपस्थित सभी लोग इस समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद सभी विधायक जी के स्वागत की तैयारी में लग जाते हैं। उधर विकास और सचिव जी बम बहादुर से लगभग 2000 रुपये के 2 कबूतर खरीद कर लाते हैं, लेकिन वे कबूतर सफ़ेद नहीं होते हैं। वहां बम बहादुर का अपने कबूतरों के प्रति अगाध प्रेम देखने को मिलता है। दूसरी तरफ मंजू देवी भी विधायक के खाने के लिए कटहल की सब्जी बनवा रही होती हैं। आगे सीन पंचायत ऑफिस का होता है, जहाँ प्रधान जी की टीम के साथ ही भूषण की टीम भी काफ़ी सजी धजी दिखाई देती है और विधायक जी के आने का इंतजार सभी लोग कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में विधायक जी अपनी बेटी समेत पूरे लश्कर के साथ वहां एंट्री करते हैं और आते ही प्रधान जी की बेइज्जती करना शुरू कर देती हैं, जैसे कि वे फूलों का हार भूषण से पहनते हैं न कि प्रधान जी से, और भोजन करने के लिए भूषण के घर जाते हैं, जिसे देखकर प्रधान जी काफ़ी दुखी होती हैं। इसके बाद विधायक जी शांति समझौता की मीटिंग के दौरान भूषण की काफ़ी तारीफ करते हैं और भी ऐलान करते हैं कि अगला इलेक्शन जीतते ही वो पहले फुलेरा गांव की सड़कों को बनवाएंगे। शांति समझौता पूर्ण होने के बाद कबूतर उड़ाने का सीन होता है, जहां विधायक जी न चाहते हुए भी काला कबूतर उड़ाते हैं। भूषण के साथ विधायक जी कबूतर को जोर से पकड़कर हवा में उछाल देते हैं, जिस पर कबूतर उड़ने की बजाय ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। कबूतर को मरा देखकर वहां खड़ा बम बहादुर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और विधायक को भला बुरा कहने लगता है और उन्हें हत्यारा तक कह देता है, जिस पर विधायक की टीम और गांव वालों से भिड़ंत हो जाती है, जिसमें प्रधान जी और सचिव समेत फुलेरा के सभी लोग बम बहादुर का साथ देती हैं। इस घटना से भूषण समेत विधायक जी की काफ़ी किरकिरी हो जाती है और भूषण के बनाए गए प्लान पर पूरी तरह से पानी फिर जाता है और 5वां एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। 6वें एपिसोड की शुरुआत न्यूज रिपोर्टरों से होती है, जिन्हें विधायक जी द्वारा कबूतर मारने की भनक लग चुकी होती है और वे कबूतरों के मालिक बम बहादुर का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, जिस पर सचिव जी प्रधान जी प्रहलाद और विकास को समझ में आ जाता है कि अब गेंद उनके पाले में है। जिसके बाद बम बहादुर का इंटरव्यू होता है, जहां बम बहादुर बताता है कि हाँ, विधायक जी ने मेरे कबूतरों को जान से मारा है, जो न्यूज काफ़ी वायरल हो जाता है और यहां तक कि यह खबर विधायक जी के पास भी पहुँच जाती है, जिस पर विधायक जी भूषण से कहते हैं कि कैसे भी करके तुम बम बहादुर से एक और इंटरव्यू दिलवाओ, जिसमें वो मुझसे माफ़ी मांगे। चूँकि अब प्रधान जी को डर होता है कि विधायक कहीं बम बहादुर के ऊपर हमला न करवा दे, इसलिए वो बम बहादुर को पंचायत ऑफिस में ही रहने का इंतजाम करवा देती हैं। तभी विकास को फोन आता है कि उसकी पत्नी को चक्कर आ गया है और वो बेहोश हो गई है, जहां उन्हें चेक करवाने पर पता चलता है कि विकास अब बाप बनने वाला है, जिसे सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ भूषण बम बहादुर को खोजते हुए पंचायत ऑफिस पहुँच जाता है, जहाँ ऑफिस पर तो ताला लटका होता है, लेकिन खिड़की से झाँकने पर उन्हें अंदर बम बहादुर दिख जाता है, जिससे भूषण धमकाते हुए कहता है कि तुम विधायक जी से इंटरव्यू के दौरान माफ़ी मांग लो, नहीं तो विधायक जी तुम्हारी सारी बहादुरी निकाल देंगे। इसके बाद बम बहादुर प्रधान जी सहित गांव के लोगों को इकट्ठा करता है और न्यूज रिपोर्टरों के सामने एक और इंटरव्यू देता है और बताता है कि मुझे विधायक जी अपना बयान बदलकर माफ़ी मांगने के लिए धमका रहे हैं, लेकिन इस बार पूरा गाँव मेरे सपोर्ट में है और मैं झुकूंगा नहीं। और यह न्यूज भी वायरल होते हुए विधायक के पास पहुँच जाती है, जिसे देखकर विधायक एकदम से तिलमिला जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 6 की यहीं पर समाप्ति हो जाती है। धन्यवाद।